लिए भी ले सकते हैं और दुकान के लिए भी ले सकते हैं वगैरह जी। ये भी 700 से 800 एक्चुअली 2000 से 2200 रुपए लग जाते हैं। ठीक है, ये टोल लेंथ है। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी के एक स्पेशल और खास वीडियो में। दोस्तों आज मैं एक ऐसे फैक्ट्री आउटलेट में हूँ जहाँ पे आर्केड गेमिंग बनाए जाते हैं, गेम पार्लर के लिए जो है पूरा गेम सेटअप बनाया जाता है। पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हैं, कॉमर्शियल यूज के लिए लेना चाहते हैं, यहाँ पे सभी तरीके से जो है डील किया जाता है। खैर जानेंगे हम विस्तार से, और हमारे साथ बताने के लिए इस फैक्ट्री के आउटलेट से जुड़े हुए हैं यहाँ के ओनर। हेलो भैया, कैसे हैं? बढ़िया भैया, आप सुनाइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सबसे पहले ना विवस को थोड़ा सा अपने कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन दे। बात ऐसी कि हम आर्केड गेमिंग लाइन में 1999 से हैं। पहले हमारा चांदनी चौक में शॉप होती थी, शॉप नंबर 61 फर्स्ट फ्लोर। मेरा नाम है मनोज कुमार अरोड़ा। किस टाइप के जो है गेम स्टेशन होते हैं अपने पास? भैया अपने पास डोमेस्टिक पर्पस के लिए होते हैं, डोमेस्टिक यूज कर सकते हैं और कमर्शियल यूज कर सकते हैं, दोनों होते हैं हमारे पास। डोमेस्टिक का मतलब हो गया कि खुद घर पे खेलने के लिए, घर के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए कितने से शुरू होता है घर के लिए? घर पे भैया अगर आपके पास PS4 है तो स्टार्टिंग रेंज है हमारी 4500 रुपए। 4500 रुपए से जो आप ले सकते हैं। ये आपके पास आर्केड स्टिक मिल जाएगी, इसके अंदर जॉयस्टिक लगेगा, ये वायरलेस होता है, ये तीन चीजों में सपोर्ट करता है भैया। देखिए ये तीन चीजों में सपोर्ट करता है, PS4 में सपोर्ट करता है, ये PC में सपोर्ट करता है, ये एंड्रॉइड में भी सपोर्ट करता है भैया। बहुत बढ़िया जी, मतलब कुल मिला के आपके पास टीवी है तो एक जो है बड़े स्क्रीन पे आप गेम खेल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको लोग इवेंट के लिए लेके जाते हैं, टेकन 7 का आजकल इवेंट चलता है ना, उसके लिए ज्यादा सेल हो रही है। बहुत बढ़िया जी, ठीक है। इसमें और भी है पर्सनल यूज के लिए? बिल्कुल भैया, फिर आ जाते हैं हमारे पेंडोरा के ऊपर। अंदर ही हमारे पेंडोरा है, ये एक बेसिक बॉक्स है, इसके अंदर जो भी आप पेंडोरा बोलेंगे हम आपको लगा के दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका क्या प्राइस होने वाला है? इसकी भैया जो स्टार्टिंग रेंज है वो 8000 रुपए है। 8000 रुपए पेंडोरा CX लगा के देते हैं 8000 रुपए में। ठीक है, अब हम यहाँ पे ना वीडियो जो मेरा बनाने का मोटिव है ना वो बिजनेस पर्पस के लिए। जी भैया, लोग कितने इन्वेस्टमेंट के साथ जो है एक छोटा सा गेम पार्लर खोल सकते हैं? भैया देखिए हमारे पास जो स्टार्टिंग रेंज है वो 12000 रुपए की है। ये वाला जो हमारा मॉडल है आप देख सकते हैं, इसको हाईलाइट कर सकते हैं आप इसको, ये जो मॉडल है हमारा ये 12000 में भैया। ये वाला मॉडल, ये वाला मॉडल, ये पूरा सेट है ना? एक सेट है ये एक सेट है सर। देखिए ये एक सेट इधर पड़ा हुआ है, एक सेट इधर पड़ा हुआ है, ये एक सेट है, एक सेट इस तरफ पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक सेट हो गया। इसके ऊपर आप LCD रख देंगे, और यहाँ पे LCD रख के HDMI कनेक्ट करनी है आपको टीवी से, और पावर कोड डालनी है, और ये प्लग एंड प्ले है भैया। 12000 की मशीन है, अपना टीवी इसके टीवी अपना लगाइए और खेलिए। इसमें 2800 गेम है, और जितने भी हम आर्केड गेम खेलते थे यदि गेमिंग वाले देख रहे हैं तो वो जानते हैं आर्केड गेमिंग क्या होती है, जैसे मुस्तफा, स्नो ब्रोस, अल्ट्रा बलून, टेकन 3, ये सब आप इस इकलौते प्लेटफॉर्म में आप खेल सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा आपने बताया ना कि इसके अंदर जो है क्वाइन डालेगा, क्वाइन के जरिए जो है कमाई कर सकते हैं। जी भैया, एक्चुअली इसमें हमने अभी मशीन ओपन नहीं करी है, लेकिन यदि आप इस तरफ देखेंगे मशीन लगी हुई है, मतलब ये देखिए यहाँ से आप कॉइन डालेंगे और आप प्ले करके खेल सकते हैं। तो एक जो है छोटे से एरिया में जैसे ATM मशीन लगाते हैं, ये मशीन लगा के और एक पोस्टर बाहर लगा दे भैया। तो अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आया था जो कि अभी पढ़ रहा है पंजाब से, ठीक है, उसके इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं था, उसने मुझे बोला कि भैया मेरे को कम से कम में इन्वेस्टमेंट करनी है। मैंने उसको ये तीन बॉक्स बना के दिए हैं, ठीक है, तीन बॉक्स को आप लगा सकते हैं, 12×12×24 आती है 36000 रुपए में। उसने काम स्टार्ट कर लिया, और जब उसकी फीडबैक आई ना भैया एक बहुत अच्छी वेव आई वो उसके अंदर, वो बोल रहा है कि मैं 1000 से 1200 कहीं नहीं छोड़ता हूँ रोज के, मतलब 2-3 मशीन लगा के 1000 से 1200 रुपए, 1000 से 1200 रुपए रोज के वो कमा रहा है भैया। ठीक है, इसके अलावा जो है ना आपके पास कौन कौन सी मशीन है वो दिखाएं भैया। ये जो इसके बाद में हमारा ये डोमेस्टिक अब कमर्शियल की बात करेंगे तो ये जो हमारा ये बॉक्स है ये 22000 का बॉक्स है हमारा। अच्छा ठीक है, इसके अंदर क्या खास बात? इसके अंदर भैया आपको टेकन 3 मिलती है, टेकन टैग मिलती है, टेकन 5 मिलते हैं, 3 गेम मिलते हैं जो कि कमर्शियल में चल जाते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बढ़ेंगे तो? इसके बाद बढ़ेंगे तो भैया ये वाला मॉडल हमारा, ये वाला मॉडल आ जाए जी भैया। इसमें क्या खास बात है? इसमें भैया ये RGB लाइटिंग के साथ में, यहाँ भी एक्रेलिक है, यहाँ भी एक्रेलिक है, लाइटिंग वाइटिंग प्रॉपर है, साउंड प्रॉपर है। साउंड हमने इसलिए बंद कर रखा है कि वीडियो में कॉपीराइट ना आ जाए। बहुत बढ़िया, तो साउंड के साथ मिलता है यहाँ जी, पूरा सारे गेम साउंड के साथ में है, बट हमने बंद कर रखा है वॉल्यूम को। इसमें भैया कस्टमर को हम एक खास फीचर देते हैं कि उसके अंदर ये अपनी मर्जी से गेमें ऐड करा सकता है कितनी भी। अच्छा, नो लिमिट और लाइफ टाइम है उसके पास, ये जो फैसिलिटी है वो लाइफ टाइम के लिए है। क्या लाइफ टाइम कभी भी आके मुझे बोलेंगे ये गेम ऐड कर दो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। लोग तो वीडियो में कमेंट करते हैं कि प्राइस नहीं बताते, हमारी वीडियो में हर एक वीडियो में प्राइस मिलेगा आपको। ये भी है 46000 की मशीन है। 46000 जी भैया,
ठीक है, और ये हमारी सबवे सफर है भैया, इसके अंदर चार गेम होती है, सबवे सफर, टेम्पल रन, प्रिंसेस बेरी और कुंफू सोकर, मतलब दौड़ने वाले सभी हैं, चार गेम दौड़ने वाले हैं इसके अंदर। ओके, और ये पड़ती है भैया आपको 70,000 रुपए की। बहुत बढ़िया। अच्छा एक जो है ना मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो आजकल के जनरेशन के लोग मांगते हैं, बच्चे मांगते हैं, ये भाई गन वाला, गन शूटिंग वाला, ये हमारी एलियन 3-in-1 है भैया। इसके अंदर तीन गेम है, हाउस ऑफ डेड 3 है, पैराडाइज लॉस्ट है और एलियन है, तीन गेम है इसके अंदर। बहुत बढ़िया जी भैया, ठीक है। इसके अंदर भी ना आप क्वाइन डाल सकते हैं। अच्छा क्वाइन कहाँ से लाएगा बंदा? क्वाइन हम देते हैं एक गेम के साथ में 100 क्वाइन फ्री देते हैं भैया, ठीक है। बच्चे को मतलब 10 या 20 रुपए 30 रुपए में एरिया के हिसाब से क्वाइन देगा भैया। ये गेम जो आप देख रहे हैं, ये जो दो गेम आप देख रहे हैं ना, एलियन हो गया और सभ्य हो गया, ये एक्चुअली मॉल की कैटेगरी के गेम है। बहुत, इसमें जो जो प्राइस रहता है ना वो 30 रुपीज 40 रुपीज क्वाइन के हिसाब से रहता है, तो आप जितना लगाएंगे उतना आप अर्न कर पाएंगे। ये 70,000 की मशीन है, ये 1,45,000 की मशीन है, मतलब एक अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट करना हो तो 2-3 लाख लगा के बढ़िया वाला गेम, बढ़िया काम कर सकते हैं सर। हम मॉल के भी सारे गेम बनाते हैं, हम फ्रॉग बनाते हैं, हम सबवे सफर बनाते हैं, हम एलियन बनाते हैं, हम कार वाला गेम भी बनाते हैं। आने वाली वीडियो की जो भैया का ब्लॉग है उसमें आने वाली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं मॉल से रिलेटेड, मतलब जो स्टीयरिंग वाला कार होता है वो भी बिल्कुल मिलता भैया, हम बनाते हैं भैया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ना मुझे बहुत बढ़िया लगा, हालांकि जानते हैं आप आजकल के बच्चे ना पबजी का क्रेज कितना ज़्यादा है उन लोग उनके पास, तो वो इस तरीके के गेम जो है खेलते हैं। ये पूरी जो है इस तरीके से मशीन होता है, यहाँ पे खड़ा होकर और साउंड निकलता है यहाँ से, वो साउंड भी निकलती भी है, सिमुलेशन भी होती है। मैं आपको देखो दिखा देते, देखो सिमुलेशन भी होती है, जब गेम खेलेंगे तो सिमुलेशन। एक हम गेम प्ले कर सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल आप प्ले कर सकते हैं भैया। आपको जो क्वाइन डालना है यहाँ से, अभी मैं हाथ से लगा दे रहा हूँ क्योंकि हमने क्वाइन नहीं डाला है। और कौन सी गेम खेलना चाहेंगे सी सर? ये हाउस ऑफ डेड 3 है, वाले लगाते हैं। तो हम जो है यहाँ पे ये गेम खेलने वाले हैं, क्या बात है, रन अटैक। यहाँ देखिए मतलब इसमें जो है ना फील भी देखिए, पूरा खटखट की आवाज आ रहा है, दो गन एक साथ खेल सकते हैं। फिलहाल एक ही ऑपरेट हो रहा है ना? जी जी जी, अभी एक ही पॉइंट नहीं डाला ना, अगर हम इसमें पॉइंट डाल देंगे तो हम स्टार्ट करेंगे तो सेकंड हैंडल भी आ गया। देखिए क्या बात है, आपका रेड रेड है, मेरा ब्लू है। अच्छा आपका रेड टारगेट है, मेरा ब्लू टारगेट है। बहुत बढ़िया तरीके के गेम जो है ना आजकल मार्केट के अंदर डिमांडिंग है, बच्चे बहुत सारे हैं जो बाहर नहीं खेल पाते, पार्क वगैरह में इस तरीके के गेम खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप छोटे से एरिए से अगर बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा मॉल जानते हैं तो मॉल के अंदर इसे सेटअप करके ना बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। एक मॉल के अंदर जो है आप किड्स जोन खोल सकते हैं, और यकीनन देखिए जहाँ जहाँ मॉल है ना इस तरीके के इससे एडवांस गेम लेवल लगे हुए हैं, क्योंकि थोड़े से एडवांस खर्चा भी होता है, लेकिन ये कम सेटअप के अंदर जो है आप लगा सकते हैं इसे। और अगर मॉल में आपको स्पेस मिल जाता है और बढ़िया तरीके से एक कंपनी की तरह ब्रांड की तरह आप इसको बिजनेस करते हैं तो एक बहुत अच्छा जो है मुनाफा अर्न कर सकते हैं। बताएं सर ये गारंटी वारंटी को लेकर क्या आप कहेंगे? हम देते हैं ना ये 3 मंथ की वारंटी देते हैं, 3 महीने की वारंटी देते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। और रिपेयरिंग वगैरह जैसे किसी को करवाना हो और ऑलरेडी पहले से वेलकम है, किसी से भी लिया हमें कोई मतलब नहीं है। okay. आप हमारे पास आके रिपेयर करा सकते हैं। कहाँ पे करते हैं रिपेयर? हमारा अंदर है ना सेंटर, यहाँ पे देख सकते हैं जी। ये जो है इनका सेंटर है जहाँ पे रिपेयरिंग का काम चलता है इस तरीके से, है ना जी। तो ये बढ़िया बात है कि रिपेयरिंग का सुविधा जो है वो यहीं पे मिल जाता है। और कुछ मशीनें हैं जो आप दिखाना चाहेंगे व्यूअर्स को? बिल्कुल भैया बहुत सारी हैं, दिखाएं सर। पेंडोरा की कलेक्शन अभी देखिए, आपने टारगेट किया ना इसको, इसके अंदर बॉक्स में एक्रेलिक अलग अलग है लेकिन इसमें 4-5 वैरायटी आती है। okay. पेंडोरा CX आता है जिसमें 2800 गेम होती है, ठीक है। पेंडोरा सागा आता है, पेंडोरा 3D+ आता है जिसमें 10,000 गेम होती है, ओके ठीक है। और सागा EX2 आता है उसमें भी 10,000 गेम होती है। और हमारे पास मिलेगा भैया अब तक का सबसे लेटेस्ट है पेंडोरा 10th एनिवर्सरी, वो भी आपको हमारे पास मिलेगा भैया। टॉय कैचर है, आपने देखी होगी मॉल में लगी होती है, बहुत बढ़िया जो खिलौना उठाने वाली गेम होती है। मॉल के अंदर क्या होता है, कार्ड आप पंच करो और इससे क्या टॉयस निकालो। बिल्कुल बिल्कुल वही मशीन है ना? बिल्कुल, ये हमारा भैया पेंडोरा है ना, इसमें आप पेंडोरा लगवा सकते हैं, टेक एंड टैग के गेम लगवा सकते हैं, घर के लिए होता है भैया। इसको हम टावर मॉडल बोलते हैं, यहाँ लाइटिंग वगैरह प्रॉपर की जाती है, आप घर के लिए भी ले सकते हैं और दुकान के लिए भी ले सकते हैं भैया। इसको बोलते हैं बार टॉप बोलते हैं इसको भैया। okay. जैसे कैफे है, आप उसको जस्ट इसको रख के आप जो है गेम खेल सकते हैं। ये छोटा अच्छा, सा रहता है, यहाँ पे भी बनेगा ये, यहाँ पे स्टिकर वगैरह लगेगा, यहाँ एक्रेलिक लगेगी हैंडल की। बहुत आप इसको छोटे से जगह में आप इसको
हैंग करके आप गेम चला सकते हैं। मशीनें जो मैं देख पा रहा हूँ भैया, अलग अलग मॉडल है, हर गेम को हर तरीके से डेवलप करते हैं, आप कस्टमाइज करा सकते हैं, आप अपने मनपसंद गेम को बोलेंगे हम ऐड भी कर सकते हैं किसी भी पेंडोरा में। आप तक पहुंचना होगा तो कैसे पहुंचेगा भैया? बहुत सिंपल वे है, वैसे तो हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल मैप की लोकेशन मिल जाएगी, गूगल मैप इतना डाल दीजिए मनोज वीडियो गेम्स बुराड़ी, मेरी लोकेशन आ जाती है, पिन है ऑलरेडी। फिर भी यदि आप मेट्रो से आ रहे हैं तो आपको जीटीबी नगर उतरना होगा, जीटीबी नगर से आप उतरेंगे आपको शालीमार पैलेस के लिए एक ग्रामीण सेवा पकड़नी पड़ेगी, वहाँ उतर के आपको एक बैटरी रिक्शा लेना पड़ेगा जिसको आप बोलेंगे ओस्कर पब्लिक स्कूल के पास जाना है, वो आपको यहाँ तक पहुँचा देगा। फिर भी आपको यदि कोई इनकन्वीनियंट होती है आप मुझे कॉल करें, मैं अपना लड़का भेज के आपको पिक करा लूँगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, अब हम वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन अंत में एक और सवाल है आपके लिए। जी भैया बोलिए। ट्रांसपोर्टेशन को लेके? बिल्कुल भैया, जहाँ कहेंगे वहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ऑलरेडी हम जो है केरल तक माल भेज चुके हैं भैया। बहुत बढ़िया, तो कितना खर्चा आता है ट्रांसपोर्ट में ये भी बताएं भैया। देखिए डिपेंड करता है साइज के अकॉर्डिंग जो खर्चा होता है ना, इन वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज होती है कुरियर की साइज के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए ना कि आपने ये मशीन भेजना है जो आपने बताया पर्सनल यूज वाला, ये वाला पर्सनल यूज, तो ये अगर कोई किसी को भेजना हो जैसे लुधियाना वगैरह? जी ये भैया 700 से 800 रुपए में मशीन पहुंच जाती है, ये वाला जो है 700 से 800 में पहुंच जाता है। और बड़ा जैसे ये वाला दे, ये बड़ा रहता है तो भैया अगर जो क्लाइंट होता है 3 से 4 मशीन लेता है तो हम उसके लिए पर्सनल ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। आजकल भैया बहुत ईजी हो चुका है, पोर्टर ऐप है, आप उसके ऊपर डेस्टिनेशन डालिए, वो आपको तुरंत बता देता है कि इतना खर्चा आएगा। बहुत बढ़िया, मतलब आपने जो है उस ऐप का प्रमोशन भी कर दिया। बिल्कुल, अरे सर मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली क्या है फैसिलिटी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो उस टेक्नोलॉजी का हमको फायदा उठाना है। बहुत बढ़िया, तो बहुत आप ये नहीं है कि मैं बोलूं आपको 10,000 लगे और लगेगा 8,000, आप खुद से चेक कर सकते हैं कि यहाँ से वहां तक कितना फेयर आने वाला है। अगर कोई एक मशीन मंगाता है तो कैसे जाएगा? बिल्कुल चला जाता है, एक भी चला जाता है। अच्छा, बिल्कुल एक भी जा सकता है। एक कितना कॉस्ट आएगा यहाँ से लुधियाना जाने में ट्रांसपोर्टेशन में? ट्रांसपोर्टेशन में एक मशीन के ऊपर, हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है, 2,000 से 2,200 रुपए लग जाते हैं। ठीक है, ये टोल लेंथ है। जी जी, 4-5 सौ कम, 4-5 सौ बाकी ऊपर नीचे वेरी हो सकता है। बिल्कुल, जी भैया ठीक है, तो मुझे लगता है ना कि दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। किसी भी तरीके का सवाल है तो आप सर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुद सुरक्षित रहें, परिवार का ध्यान दें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।